एओएम कैपिटल से राजेश अग्रवाल अब हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे उनका बाजार पर नजरिया जानते हैं। बाजार पर वैसे तो नजरिया राजेश गुड आफ्टरनून ओवरऑल पॉजिटिव है, डोमेस्टिक मार्केट्स की अपनी ही चाल है जो कि हम देख रहे हैं, लेकिन इन सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए जहां पर चैलेंजेस ग्लोबल मार्केट से कई सारे हैं उसे हम भूल तो नहीं सकते, नकार भी नहीं सकते, लेकिन डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स या कह सकते कि डोमेस्टिक थीम्स पर लगातार फोकस है और डोमेस्टिक थीम्स से जुड़े जो भी स्पेसेस हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन के आइडियाज आपके हिसाब से कैसे होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी, प्रियंका, डिब्बे जी, सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि बाजार इस वक्त इतने चलने के बाद अगर आप एक दो दिन को नहीं देख करके थोड़ा सा लंबा देखो तो पिछले कुछ दिनों में 700-800 पॉइंट की रैली होने के बाद 18,150 18,200 के जो लेवल्स है उसे पार करने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस कर रहा है। कारण है कि सारी नजरें इस पर फेड के जो भी कमेंट्री आएगी उस पर टिकी हुई है। अगर वहां से कोई भी ऐसा संकेत आता है कि आगे आने वाले दिनों में पॉज हो सकता है या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छी खासी रैली हो सकती है। जैसे अभी डिप्टी कह रहे थे कि जो 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा वो तो डिस्काउंटेड है बाजार में, तो मैं नहीं समझता कि 25 बेसिस पॉइंट आएगा तो बाजार कुछ भी रिएक्ट करेगा, क्योंकि जो भी रिएक्शन है ऑलरेडी आ चुका है। रिसेशन का, फेड हाइक का, ये दो दिक्कतें हैं जो बाजार के सामने इस वक्त है। लेकिन अगर आप नतीजों पे नजर डालो डोमेस्टिक कंपनीज की खास करके, तो प्राइस सभी सेक्टर्स में, प्राइस सभी कंपनियों की जो भी नतीजे आए हैं वो संतोषजनक आए हैं, एक आध को छोड़ दिया जाए तो, और दो दिग्गज आईटी कंपनीज के जहां से नतीजों से निराशा हुई, अदरवाइज नतीजे संतोषजनक आए हैं। बॉन्ड यील्ड्स डाउन है, रुपया स्टेबल है, क्रूड जैसे अभी आप कमेंट्री में बता रही थी कि 75 के भी नीचे चला गया, एक बहुत बहुत कहूंगा कि उत्साहजनक बात है बाजार के लिए। एफएम ने भी वॉशिंगटन में पिछले हफ्ते ये कहा था कि क्रूड अगर रशिया से जरूरत पड़ी तो अपनी ज्यादा आयात कर लेंगे, क्योंकि उनकी पूरी नजर इन्फ्लेशन पे था। इन सब चीजों के मद्देनजर खास करके जो मार्केट के नतीजे आए हैं और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, हम बहुत बुलिश है बाजार में, और हमारा ये मानना है कि कल के इवेंट निकल जाने के बाद अगर बाजार फिर से तेजी पकड़ता है तो इस बार 18,525 तक के लेवल्स आ सकते हैं। जहां तक सेगमेंट की बात है, मैं समझता हूं कि इस वक्त रेलवे, बैंकिंग, ये कुछ एक क्षेत्र है जहां बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अभी भी बनी हुई है, बावजूद इसके कि रेलवे में भी और बैंकिंग में भी दोनों में बहुत तेजी हो चुकी है। चर्चा जारी भी रहती है आगे भी। तो दो स्पेसेस आपने बताए, बुलिश व्यू आप तो 18,525 की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हमने शो शुरुआत की थी तब से ही आप देखें तो बैंक्स में और फर्दर रिकवरी दिन भर भी रही है। अब सब 40-42 पॉइंट्स ही आपको बैंक निफ्टी पे दिख रहे हैं और निफ्टी भी रिकवर हुआ है। इनफैक्ट अब आप 18,100 के पास निफ्टी को देख रहे हैं।